बहुत से फ्रेशर के मन में डाउट होता है कि MNCs इवन आजकल तो स्टार्टअप भी बॉन्ड क्यों साइन करवा लेते हैं फ्रेशर से, एक साल का, दो साल का, कुछ कंपनीज तो तीन तीन साल तक के बॉन्ड साइन करवा लेती हैं। रीज़न क्या रहता है? पहला डाउट डेवलपर्स के मन में ये होता है कि वो चाहती है कि हम लोग 12-12, 13-13 घंटे काम करें, अगर सैलरी टाइम पे ना भी आए तो भी डेवलपर ना जाए और सैटरडे संडे भी काम करे, ये रीज़न रहते होंगे। देखो एक दो कंपनीज का ऐसा हो सकता है, बट एक्चुअल रीज़न ये नहीं रहता। एक्चुअल रीज़न इसका ये रहता है कि जब भी आप एक कंपनी में जाते हो तो एक साल तक कंपनी को आप ना के बराबर प्रॉफिट देते हो, बिकॉज वो कंपनी है एटलीस्ट प्रॉफिट के लिए काम कर रही है। सो 6-7 महीने आपकी ट्रेनिंग चलती है, बाद में हो सकता है आपको तभी प्रोजेक्ट मिले या ना मिले या फिर 2-3 महीने लेट मिले, तो ऑलमोस्ट एक साल तक आप उनको जीरो प्रॉफिट देते हो। उसके बाद में आप उनको कुछ प्रॉफिट देना शुरू करते हो और उस एक साल तक आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि आपको ट्रेनिंग देना, ऑफिस की चाय कॉफी का तो होता ही है, एक कंप्लीट लैपटॉप देते हैं, एक स्पेस लेते हो आप, हर चीज़ का खर्चा लगता है कंपनी के अंदर, बिल्डिंग का भी, सिक्योरिटी गार्ड का भी, तो वो हर एक पर्सन के हिसाब से कैलकुलेट करके चलते हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि आपके अंदर वो एक साल तक इन्वेस्ट कर दें पैसा और आने वाले एक साल के बाद में आप 1 या 2 साल तक उनके लिए कुछ प्रॉफिट करके दो। अदरवाइज अगर बोर्ड नहीं होगा तो होगा क्या कि जस्ट आप एक साल वहां पे काम करोगे, आपने सीखा और आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लोगे पैसे के लिए, राइट? और तो कंपनी को क्या प्रॉफिट होगा, कंपनी को तो लॉस होगा। तो इसीलिए उनको बोर्ड रखना पड़ता है 1 साल का 2 साल का या फिर 3 साल, बिकॉज उसके हिसाब से वो प्लान कर लेते हैं। अगर 1 साल का बोन्ड है तो पहले आपको 6 महीने सिखाते हैं, बाद में आपसे काम लेते हैं, और 2 साल का बोन्ड रखते हैं तो वो फिर आराम से 6-7 महीने तक सिखाते हैं, 1-2 महीने प्रोजेक्ट नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा। तो इसलिए वो प्लान करके रखते हैं, उनकी ऐसी कोई मेंटिलिटी नहीं होती कि आपसे 12-12, 13-13 घंटे काम करवाएंगे, सैलरी नहीं देंगे ताकि आप कहीं जा भी ना पाओ, इसलिए बोन्ड साइन करवाते हैं, राइट? सो ये रीज़न रहता है एक बोन्ड साइन करवाने का। ये क्वेश्चन था मेरे से किसी ने कमेंट बॉक्स के अंदर पूछा था, अगर आपके पास कुछ और ऐसे क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, इंस्टाग्राम के ऊपर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।